हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइनिंग मिरर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर वीडियो सीरीज द माइन स्टूल नाइनटीन फिफ्टी फाइव एंड दिस वीडियो इज़ फॉर चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ फास्टर्ड एंड मेडिकल अप्लाइंसेस स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं लास्ट सिक्स टू सेवन डेज में थोड़ा सा डिस्टर्ब था कोई नया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा पूरा फैमिली इवन इंक्लूडिंग मी वायरल फीवर में हम लोग थे थोड़ा सा दिक्कत था ठीक है अभी हम लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा मेरा जैसे पहले वीडियो में डालता था वैसे ही वीडियोज में नया अपलोड करूँ तो फ्रेंड्स सेम चीज इफ यू आर न्यू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ फ्रेंड्स इफ यू अंडर कॉन्टैक्ट मी एक और हम व्हाट्सअप में ऑन दिस नंबर एंड प्लीज लाइक माई फेसबुक पेज दैट इज माइनिंग मिरर लेट्स गेट स्टार्टेड रूल नंबर फोर्टी दैट इज अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग पर्सनस इन फास्टेड माइन्स में जो फास्टेड स्टेशन रहता है या जो फास्टेड रूम रहता है या फास्टेड का जो भी अरेंजमेंट रहता है उसमें जो पर्सनस रहते हैं उनका ट्रेनिंग के बारे में है ये रूल नंबर फोर्टी तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हु सैल मेक एडिकुट एंड सुइटेबल अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनस इन फास्टेड ओके मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फास्टेड में जो पर्सनस रहेंगे उनका ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कौन करेगा अनसूल बी द ओनर एजेंट और मैनेजर ओके क्वेश्चन नंबर टू हू मेक एडिकुएट एंड सुबलॉय माइंड ऑन ड्यूटी इंजुरीसरी और हॉस्पिटल तो क्वेश्चन है कि कौन पूरा फेसिलिटेट करेगा जो एडिकुएट और सुइटेबल अरेन्जमेंट्स है वो करेगा कि अगर कोई पर्सन को सीरियसली बॉडिली इंजरी होता है ड्यूटी के दौरान या कोई इलनेस होता है जो सीरियस नेचर का होता है उसको जल्दी से जल्दी माइंड से निकाल के हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है वो कौन प्रोवाइड करेगा आंसर विल बी द सेम द ओनर एजेंट और मैनेजर ये तीनों पूरा रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीज़ प्रोवाइड करने में ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री वट सल बी यूज टू ब्रिंग एनी सिक पर्सन फ्रॉम द माइंड टू द हॉस्पिटल कोई सिक पर्सन या कोई इंजर्ड पर्सन को माइन से हॉस्पिटल लेने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं अनसुल हम लोग सबको पता है अनसुल बी एम्बुलेंस लेकिन इफ़ इट इज़ अन अगर हम लोग के पास एम्बुलेंस नहीं है तो वहाँ पे क्या और हो सकता है उसके जगह पे एक मोटर व्हीकल हो सकता है एक मोटर व्हीकल लेकिन इन हुईज ए पर्सन कैन बी कैर सुपाइन ऑन ए स्ट्रेचर जिसमें एक पर्सन को हम लोग कैरी कर सकते हैं स्ट्रेचर के साथ सुपाइन मतलब क्या होता है इसका अगला पिक्चर में दिखाएंगे देखिए सुपाइन होता है कि पर्सन ऐसे ऊपर करके सोए स्ट्रेचर में ऊपर को मुंह करके आराम से सो पाए उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन ये होता है सुपाइन पोजीशन ठीक है और ये नीचे वाला देखिए जो फेस को नीचे करके जो सोया है पेट को नीचे करके इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन ठीक है तो ये दोनों है सुपाइन पोजिशन और प्रोन पोजिशन तो अगर हम लोग के पास एम्बुलेंस नहीं है अगर कोई मोटर व्हीकल हम लोग यूज़ करें उसमें स्ट्रेचर को लेके जाने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए और उसमें ईजीली आदमी सुपाइन पोजिशन में जा सकता है वो उसका कंडीशन है ठीक है अब चलते हैं रूल नंबर फोर्टी वन फास्ट एड क्वालिफिकेशन फास्ट एड जो प्रोवाइड करेगा या फास्ट एड जो भी हेल्प करेगा हम लोग का उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर हु शल बी अपॉइंटेड टू रेंडर फास्ट एड कौन अपॉइंट होता है फास्ट एड को देने के लिए रेंडर का मतलब वही होता है कि जो फास्ट एड देने में हेल्प करता है ठीक है वो होता है रेंडर ठीक है तो कौन हेल्प करता है आंसर विल बी नो पर्सन अदर देन एक क्वालिफाइड नर्स ड्रेसर कंपाउंडर कमल ड्रेसर और मेडिकल प्रैक्टिसनर ये चारों को हम लोग को चाहिए जो फास्ट एड प्रोवाइड करेंगे ठीक है एक नर्स

वर्ल्ड वाइड है वो हर जगह है तो जहां पे वो जिस कंट्री में वो अपना सर्विस या अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है उसका साइड में रहता है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया अब चलते हैं आगे रूल नंबर फोर्टी टू फास्ट एड पर्सनल कौन कौन फास्ट एड पर्सनल है क्वेश्चन नंबर सिक्स हु शाल सी दैट एवरी फास्ट एड स्टेशन इज प्रोवाइडेड विथ एफ्ट इन चार्ज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कौन इंश्योर करता है के जो भी फास्ट स्टेशन है हम लोग का या फास्टेड जो रूम है वहाँ पे जो पर्सनस वहाँ पे इंचार्ज रहता है विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उसको कौन इंश्योर करेगा आंस बी सेम द ओनर एजेंट और मैनेजर इसके बाद एक नोट है देख लेते हैं नोट में क्या क्या है फर्स्ट है द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी इन चार्ज ऑफ ए फास्टेड स्टेशन शाल बी प्रोमेंटली डिस्प्लेड एट एवरी फास्ट स्टेशन फास्ट स्टेशन में जो भी इंचार्ज रहेंगे जो अपॉइंट होते हैं वहाँ पे आज ए इंचार्ज ऑफ फास्ट स्टेशन उनका नाम और डेजिगनेशन फास्ट स्टेशन में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले में रहना चाहिए कि ये फास्ट स्टेशन में ये इंचार्ज है उनका नाम और डेजिग्नेशन ये है ठीक है सेकेंड में क्या है अन अप टू डेट लिस्ट ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू बी इंचार्ज ऑफ फास्ट स्टेशन इन of द माइंड शल बी केप्ड इन द ऑफिस ऑफ द माइंड एंड ऑल्सो डिस्प्ले प्रोमिनेंटली द एड रूम आगे में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा फास्ट एड स्टेशन रहता है तो जितना भी फास्ट स्टेशन है उतना इंचार्ज रहेंगे तो हम लोग को एक लिस्ट रखना पड़ेगा जिसमें जितना भी फास्ट स्टेशन है उनका सारा इंचार्ज लोग का जो नेम और डेजिग्नेशन रहेगा वो उसका लिस्ट एक माइंस का ऑफिस में रहेगा और एक हम लोग का जो फास्ट रूम में वहाँ पर रहेगा ओके चलते हैं आगे रूल नंबर फोर्टी थ्री फास्ट ऐड रूम देखिए यहाँ पे दो चीज़ें एक है फास्ट एड रूम और एक है फास्ट एड स्टेशन तो फास्ट एड रूम जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है फास्ट एड स्टेशन जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है इसमें जो भी कंडीशन से इसके ऊपर से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है तो एक बार उसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन फॉर हाउ मेनी पर्सनस एम्प्लॉयड इन ए माइन ऑन एनी वन डे ऑफ द प्रोसीडिंग कैलेंडर दे आर शैल बी प्रोवाइडेड विथ ए सुइटेबल फास्ट एड रूम एक माइन से कितना पर्सन्स एम्प्लॉयड होने से वहाँ पर हम लोग एक सुइटेबल फास्ट एड रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा वन हंड्रेड 150। क्वेश्चन नंबर एट वे आर द फास्ट रूम सल बी सिचुएटेड फास्टेड रूम कहाँ पे होना चाहिए ठीक है फास्टेड रूम होना चाहिए एक कन्वीनियंट प्लेस में जहाँ पे सबका इजीली एक्सेस हो और ये बस फास्टेड वर्क के लिए ही यूज किया जाएगा वो फास्टेड रूम और कोई भी काम के लिए यूज नहीं किया जाएगा और पर्टिकुलरली फास्ट वर्क के लिए ही यूज़ किया जाएगा तो ये जो आंसर है कन्वीनियंट प्लेस यहीं पर सब कुछ आ जाता है वो अच्छी जगह पे होना चाहिए क्लीन जगह पे होना चाहिए इजीली एक्सेसिबल हो क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट सल बी द फ्लोर एरिया ऑफ द फास्टेड रूम फास्टेड रूम का फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए देखिए जो माइन स्टूड नाइनटीन है उसमें आता है कि जो फ्लोर एरिया है उसमें एक है हम लोग का सेल्टर और एक हम लोग का फास्टेड रूम तो फास्टेड रूम का है नॉट लेस देन टेन स्क्वायर मीटर ठीक है और जो हम लोग का सेल्टर है उसका था फोर्टीन मीटर स्क्वायर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन द फास्टेड रूम साल कंटेन द इक्विपमेंट मेंशन इन हुई शेड्यूल यह भी आता है क्वेश्चन कि फास्टेड में जो जो इक्विपमेंट हम लोग रखते हैं वो कौन सा शेड्यूल है कौन सा शेड्यूल में लिखा हुआ है आंसर विल बी द सेकेंड शेड्यूल ये जो नाइनटीन फिफ्टी फाइव जो माइंस रूल है उसका लास्ट में वो शेड्यूल दिया गया है क्वेश्चन नंबर इलेवन हु बी इन चार्ज ऑफ ए फास्टेड रूम वन देर आर मोर देन वन थाउजेंड पर्सन ऑर्डिनली एम्प्लॉयड इन ए माइन एक माइन्स में अगर वन थाउजेंड पर्सन्स ऑर्डिनली एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर जो फास्ट एड रूम है उसका इंचार्ज कौन रहेगा उसका इंचार्ज रहेगा ए मेडिकल प्रैक्टिसनर होल टाइम एम्प्लॉय ठीक है मतलब फास्ट एड रूम में जो भी रहेंगे मेडिकल प्रैक्टिसनर हो चाहे ड्रेसर्स हो चाहे नर्स हो वो सब होल टाइम एम्प्लॉय ही होना चाहिए तो अगर वन थाउजेंड से ज़्यादा है तो वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिसनर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्ल फॉर हाउ मेनी पर्सनस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड इन द माइंड ए मेडिकल प्रैक्टिसनर्स आल बी अपॉइंटेड एज इन चार्ज ऑफ द फास्ट एड रूम ये मतलब मैं इसलिए दिखाया हूँ ये जो थाउजेंड पर्सन है ये थाउजेंड पर्सन में है तो इसको और एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि कहाँ पे हम लोग एक मेडिकल प्रैक्टिसनर देंगे वहाँ पे कितना पर्सन होना चाहिए बस सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा बहुत चेंजेस है आंसर वी सेम है वन थाउजेंड पर्सेंट तो अभी बात करेंगे कि ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड हम लोग किसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे जैसे दिया गया है कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है कि वन थाउजेंड पर्सन ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होना चाहिए उसका मतलब क्या है तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड वही होता है कि द एवरेज नंबर ऑफ़ पर्सनस एम्प्लॉयड पर डे इन द माइन और ए पार्ट ऑफ द माइन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कैलेंडर ईयर मतलब एक जो कैलेंडर ईयर जो चल रहा है अभी कैलेंडर ईयर कब से कब होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक तो जो कैलेंडर ईयर चल रहा है उसमें से एक दिन में जितने नंबर पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ मैन डेज डिवाइड बाई टोटल वर्किंग डेज ठीक है टोटल वर्किंग डेज ऊपर में रह जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैन डेज ठीक है उसको डिवाइड कर लीजिए वो ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड कितना होता है एवरेज वो निकल जाएगा तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु सर असिस्ट द मेडिकल प्रैक्टिसनर जो मेडिकल प्रैक्टिसनर यहाँ पे हम लोग रखते हैं उनको कौन कौन असिस्ट करेंगे आंसर इज ए नर्स ए ड्रेसर और ए कंपाउंडर एंड ए ड्रेसर हु आर क्वालिफाइड इन द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ठीक है इधर एक नर्स प्लस ड्रेसर रहेंगे नहीं तो एक कंपाउंडर प्लस ड्रेसर रहेंगे ठीक है और उनके पास जो मैंने वो सब क्वालिफाई होंगे एलोपैथिक सिस्टम में जो हम लोग का होम्योपैथी होता है एलोपैथिक होता है या जो आयुर्वेदिक होता है तो इसमें है कि एलोपैथिक सिस्टम होता है तो चलिए एक इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ देख लेते हैं फर्स्ट क्या है अगर चीफ इंस्पेक्टर माइंस को कभी लगा कि जो मेडिकल प्रैक्टिसमर हम लोग वहाँ पे रख रहे हैं फर्स्ट एड रूम में जो वन थाउजेंड पर्सनस अगर कहीं ऑर्डिनली एम्प्लॉयड होते हैं तो वहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिस हम रखते हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा नर्स या एक्स्ट्रा कंपाउंडर्स या एक्स्ट्रा ड्रेसर्स का जरूरत होते अगर चीफ इंस्पेक्टर वो फील किए तो वो राइटिंग में दे सकते हैं कि उसको आप प्रोवाइड करिए ठीक है सेकेंड क्या है ये सेकेंड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लास्ट में मैं पहले लास्ट वाला बोल देता हूँ कि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑथोराइज बाय हिम इन द ऑन दिस बिहाव मई ग्रांड एग्जेपन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सब रूल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन आज ही में स्पेसिफाई इन राइटिंग मतलब एक कंडीशन है जहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर माइन्स या जो इंस्पेक्टर रहते हैं ऑथोराइज वो ये जो सब रूल हम लोग बात करें उसको एग्जेम्पन वो दे सकते हैं कहाँ पर ये हो सकता है कि अगर हम लोग कहीं जो माइंस का इमीडिएट विसिंड होता है जो माइंस से नियरेस्ट जो एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग इमीडिएटली पहुँच सकते हैं वो एरिया में अगर हम कोई अच्छा सा हॉस्पिटल या अच्छा सा डिस्पेंसरी हम लोग प्रोवाइड कर दिए जो माइंस का ओनर को ही बिलोंग करता है या माइंस का वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है तो वहाँ पर ये जो फास्ट में मेडिकल प्रैक्टिसन देने का जो सब रूल है उसको हम लोग एग्जिम्ट कर सकते हैं ठीक है ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ है उसके बाद और क्या है थर्ड एवरी पर्सन हु सफर्स इन इंजुरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क रिपोर्ट फॉर एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट द फास्ट एड रूम ठीक है हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी आज द केस में बिफोर लिविंग द माइंड इरेस्पेक्ट ऑफ first aid having been मतलब सिंपल है यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जैसे ही वर्क प्लेस में उसको इंजरी हुआ तो उसको कोई ना कोई पर्सन जाके वहाँ पे फास्ट एड का अप्लाई कर सकता है लेकिन वहाँ पे अप्लाई करने के बाद भी उसको जो फर्स्ट एड रूम रहता है या जो हॉस्पिटल रहता है या डिस्पेंस रहता है वहां पे जाके रिपोर्ट करना है ट्रीटमेंट के लिए तो सिंपल है अब चलते हैं रूल नंबर फोर्टी फोर फास्ट एड स्टेशन ठीक है फास्ट एड रूम और ये हो गया फास्ट एड स्टेशन तो यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर हाउ मनी नंबर ऑफ पर्सन से फास्ट एड स्टेशन इज प्रोवाइडेड ग्राउंड एंड इन ओपन एड रूम कितना पर्सन में था वन हंड्रेड और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना पर्सन होने एड स्टेशन देंगे हम लोग अब ग्राउंड एंड इन ओपन कस्ट माइंड वो होगा 50, 50 परसेंट से हम लोग प्रोवाइड करेंगे एक फास्ट स्टेशन ठीक है अब देखते हैं द फास्टेड स्टेशन सल कंटेन द इक्वमेंट मेंशन इन हुई शेड्यूल द फास्टेड जो रूम था वहाँ पे जो इक्विपमेंट रहता है फास्ट रूम में वो कौन से शेड्यूल में था वो था सेकेंड शेड्यूल और ये स्टेशन में जो रहता है वो है थर्ड शेड्यूल

वंड और हॉल्ड जितना भी हम लोग का साफ्ट रहता है माइंस में उसका टॉप में या जो इंक्लाइन रहता है उसके पास जहाँ पे मैन और मेटेरियल जहाँ पर हम लोग हॉलिंग करते हैं ठीक है इन एवरी वर्कशॉप वर्कशॉप में आप लोग को देना है एट एवरी स्क्रीनिंग प्लांट ऑन लोडिंग प्लेस ऑब्वियसली स्क्रीनिंग प्लांट और लोडिंग प्लेस में देना है एट एवरी अदर प्लेस वे आर फिफ्टी परसेंट और एम्प्लॉयड एट एनी वन टाइम इन इन तीनों को छोड़ के भी जहाँ पर फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं वहाँ भी एक हम को देना पड़ेगा फास्ट एड स्टेशन ओपन कास्ट वर्किंग में कहाँ देना है ओपन कास्ट वर्किंग वही है ओपन कास्ट uh, में जहां पर भी फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है वहां पे एक एक फास्ट स्टेशन देना है ठीक है अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड माइंस में कहा रहेगा एट द बॉटम ऑफ मैन और मेटेरियल हॉलिंग करते हैं आर्ट और नियर एवरी प्लांट जो भी प्लांट्स रहता है उसका पास में रहना चाहिए नियर द ड्राइव एंड ऑफ एवरी हॉलेज दो जो हॉलेज होता है उसका ड्राइव एंड में रहेगा इन और एट द एंट्रेंस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन ऑफ द माइंस माइंस का जो डिस्ट्रिक्ट रहता है या सेक्शंस रहता है उसका एंट्रेंस में रहेगा ठीक है इ रेस्पेक्टिव ऑफ दी पर्सनस यहाँ पे पर्सनस को मैंशन नहीं किया है अंडरग्राउंड के लिए ठीक है लेकिन अंडरग्राउंड में आपको देना है ज़रूरी चाहे जितना भी पर्सन्स हो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू फास्टर्ड स्टेशन जो फास्टर्ड स्टेशन रहता है वो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए थ्री हंड्रेड मीटर्स कुछ नोट्स है यहाँ पे एक है इट्स द ड्यूटी अपॉइंटेड टू बी चार्ज और फास्टर्ड स्टेशन अंडर रूल फोर्टी टू टू सी दैट इक्विपमेंट प्रोवाइडेड एट द स्टेशन इज केफ्टन गुड ऑर्डर एंड दैट इज रिप्ले मतलब जो भी फास्टर्ड स्टेशन में आज इंचार्ज रहते हैं तो उनका वो ड्यूटी रहता है कि जो भी इक्वमेंट हम लोग को जरूरत है फास्टर्ड स्टेशन में वो जैसे सिस्टमेटिकली वहाँ पे रखना चाहिए वैसे सिस्टमेटिकली रखना चाहिए अच्छा कंडीशन में होना चाहिए अगर जहाँ भी जरूरत है रिप्लेस करना तो उसको रिप्लेस करके भी वहाँ पर मैंटेन करके रखना चाहिए सेकेंड क्या है अन अप टू डेट लिस्ट ऑफ ऑल फास्टर्ड स्टेशन प्रोवाइडेड इन द माइंड शल बी केप्ट इन द ऑफिस ऑफ द माइंड एंड ऑल्सो एट द फास्टर्ड रूम मतलब जो फास्टर स्टेशंस होता है क्योंकि फास्टर स्टेशन हम लोग क्या ना, जहां uh, main main है ना जहाँ पे मेन मेन एरिया है माइंस के अंदर वहाँ पे हम लोग देते हैं जहाँ पे पचास लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे फास्ट एड स्टन हम लोग लगा देते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ फास्ट एड स्टेशन आता है तो जितना भी नंबर ऑफ़ फास्ट स्टेशन से उसका सारा लिस्ट फास्ट एड रूम में डिस्प्ले में पूरा होना चाहिए और जो माइंस का जो ऑफिस है वहाँ पर भी पूरा लिस्ट होना चाहिए ठीक है अब चलते हैं रूल नंबर फोर्टी फाइव कैरिंग द फास्ट एड आउटफिट वाई द ऑफिसियल्स जो फास्ट एड का आउटफिट होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एटीन हु कैन रेंडर फास्ट एड अदर दैन द नर्सेस ड्रेसर्स कंपाउंडर एंड मेडिकल प्रैक्टिसनर जो नर्स होते हैं नर्सेस ड्रेसर्स कंपाउंडर और मेडिकल प्रैक्टिसनर को छोड़ के और कौन या और कौन कौन फास्ट एड को प्रोवाइड कर सकता है या फास्ट एड का जो जॉब है वो कर सकता है आंसर इज एवरी ओवरमैन फोर मैन सरदर मेट सर्टफायर ब्लास्टर इलेक्ट्रीशियन एंड इवन द मेकैनिक लेकिन आज फास्ट एड काम करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उनके पास वैलिड फास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इशू होता है सेंट जन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन से ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्हाट डज ए फास्ट आउटफिट कंसिस्ट ऑफ जो फास्ट आउटफिट होता है उसमें क्या क्या रहता है जो फास्ट आउटफिट होता है उसमें रहता है वन लार्ज स्टेरियलाइज ड्रेसिंग वन स्मॉल स्टेल लेट ड्रेसिंग एंड अम्पोल ऑफ टिंचर ऑफ आयोडिन मतलब जो आयोडिन का जो बटल होता है ना कि एंटीसेप्टिक टाइप का काम करता है वो अदर सुइटेबल एंटीसेप्टिक्स जो एंटीसेप्टिक्स क्रीम होता है या जो लिक्विड्स होता है खास लाइक बेटाडिन हो गया या जो एंटीसेप्टिक जो क्रीम्स होते गए न्यू स्प्रिंट टाइप का हो गया वो सब रहता है एंड सच एंड आउटफिट वाल बी सिक्योरली पैक्ड टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट डार्ट एंड वाटर तो जो आउटफिट होता है उसको तो अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखना पड़ता है या अच्छी तरह से उनको पैक करके रखना पड़ता है ताकि उसमें पानी ना लगे या कोई डस्ट ना लगे या गंदा ना हो अब चलते हैं रोल नंबर फोर्टी फाइव का और एक है रोल नंबर फोर्टी फाइव ए मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजरी जो इंजरी होता है उसके बाद मेडिकल अटेंशन जो होता है उसके बारे में है फर्स्ट एवरी पर्सन रिसीविंग एन इंजुरी इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी अगर ड्यूटी में कोई भी पर्सन को कोई इंजुरी हुआ ठीक है तो जैसे ही उसको इंजरी हुआ वो इमिडियटली रिपोर्ट करेगा कोई ऑफिशियल को ठीक है तो ऑफिशियल मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग जानते हैं तो आज पर रेगुलेशन ऑफिशियल में जो सुपरवाइजर्स हैं सबको ही है उसमें ठीक है चाहे फोरमैन हो चाहे माइनिंग मेट हो चाहे ओवरमैन हो चाहे सरदार हो जो भी है वो सब ऑफिशियल्स में आते हैं ठीक है तो जैसे ही किसी को इंजरी हुआ वो इमिडियट कोई ऑफिशियल को बताए या पास में अगर कोई शिफ्ट इंचार्ज है या कोई असिस्टेंट मैनेजर कोई भी रहते हैं उनको जिसको देखे वो पहले बोल दे अगर ऐसा इंजरी हुआ कि वो पर्सन बोलने का कंडीशन में रहा ही नहीं वो बोल ही नहीं पाएगा ठीक है उस जगह पे क्या करना है कि जो भी पर्सन उसको पहले देखता है तो उसका काम है कि वो इमीडिएट रिपोर्ट करे अपना ऑफिशियल को ठीक है और जैसे ऑफिशियल को पता चला तो ऑफिशियल क्या करेगा जैसे ही उसको ऑफिशियल को खबर मिलता है वो इमीडिएट वहाँ पर अरेंजमेंट करेगा कि उसको एड दिया जाए ठीक है अगर ऑफिशियल्स को लगा कि नहीं ये जो इंजरी हुआ है थोड़ा सा सीरियस हो चुका है या सीरियस है और इसको इमीडिएट हम लोग को अटेंशन चाहिए मेडिकल प्रैक्टिसनर का तो वो अरेंजमेंट करेगा कि मेडिकल प्रैक्टिसनर को कॉल कर ले ठीक है टू में क्या है इफ एन ऑफिशियल हु इज रिक्वायर्ड टू कैरी फास्टेड आउटफिट अंडर रूल नंबर फोर्टी फाइव रिसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंजुरी टू ए वर्किंग पर्सन ही हिमसेल्फ अटेंड टू द हीड पर्सन ओके ये नॉर्मल है अगर जो ऑफिसियल रहते हैं जिसके पास फास्टेड आउटफिट रहता है अगर उनको खबर मिला कि ऐसा कुछ इंजरी हुआ है तो वो खुद जाके इमिडियट अटेंड करेंगे जो इंजर्ड पर्सन को थर्ड क्या है इट्स वैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट फास्ट स्टेशन स्टेशन अंडर रूल नंबर फोर्टी टू रेंडर सच फास्ट टू द इंजर्ड पर्सन आज मे बी नेसेसरी अगर जरूरत पड़ा जो फास्टेड नियरेस्ट फास्टेस्ट स्टेशन रहता है क्योंकि हम लोग को पता है कि जो फास्टेस्ट स्टेशन से और एक फास्टेस्ट स्टेशन का मिनिमम डिस्टेंस रहता है थ्री हंड्रेड मीटर तो जो मिनिमम जो नियरेस्ट जो फास्टेस्ट स्टेशन से उसका जो इंचार्ज है वो भी ज़रूरत पड़ने से यहाँ पर आ कर प्रोवाइड कर सकता है ठीक है तो फ्रेंड्स ये हो गया चैप्टर नंबर सिक्स जो फास्टैड और मेडिकल अप्लाइंस के ऊपर है मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि जितना क्वेश्चंस यहाँ से मैं निकल सकता हूँ तो उसका क्वेश्चन एंड आंसर आपके सामने रख दिया जो थोड़ा सा ईजी होता है याद रखने में आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सी यू इन अनदर वीडियो विथ अनदर चैप्टर थैंक यू